थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुंह जल गया था। हाँ जी तो आ बेटा, आ तो बेटा। प्लान क्या है, मतलब कहाँ जा रही हो तुम? साहब तो फोन कर देना है। कहाँ जा रहे हैं? ये तेरे मुझे यार। मैं तेरे से यहाँ पे आने के बाद एक उम्मीद कर रहा हूँ। माँ बाराही धाम के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वश्रेष्ठ स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव बुरासी से। तो आज नए दिन पे नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है भैया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे। तो आज का पहले आप मौसम देखिए दोस्तों, एकदम सुहाना सा मौसम हो रहा है। पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, थोड़ा धूप भी आ रखी है, थोड़ा बादल भी लगे हुए। तो बाकी दोस्तों भैया आज है 19 तारीख और आप सभी लोगों को भैया जैसे कि दोस्तों पता है आज है भैया रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो यार मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को भाई रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की। तो आज का दोस्तों आप सभी को पता ही होगा भैया जो आज का त्यौहार होता है भाई बहन का त्यौहार होता है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है भैया। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहनें अपने भाइयों को राखी वाखी वगैरह बांधेंगी, बाकी भाई लोग भैया गिफ्ट के तौर पर, मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि बहन की रक्षा करने का वादा करें भैया अपनी बहन से। और बाकी दोस्तों भी सभी लोग त्यौहार मनाएंगे आज का, लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं त्यौहार को। जैसे कि आपको पता ही है कि दादाजी गुजरे हुए थे, तो जब तक वार्षिक वगैरह नहीं होती है तब तक त्यौहार को ही हम लोग भैया मनाएंगे नहीं। तो ऐसे ही मतलब जो लोग भी बहनें राखी बांधती थी वो लोग ऐसे राखी लेकर के आएंगे, मतलब यहाँ पे भी घर पे भी, मतलब मेरे हम लोगों की जो राखियाँ आती थी वो आएंगी, लेकिन हम लोग बांधेंगे नहीं यहाँ राखी को। बाकी आप लोग इन्जॉय कीजिए आज के त्यौहार को सभी लोग। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ भैया पोखराड़, और वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ वो आपको अभी वहीं पे जाकर के बताता हूँ मैं। दरअसल एकदम से मतलब मैं भैया तैयार होकर के क्यों आ गया हूँ पोखराड़ जाने के लिए, उसका रीज़न वहीं पे जाके बताऊँगा आपको मैं। मैंने जो बोला आपको दोस्तों भैया जो रीज़न था ना यहाँ पोखराड़ आने का, वो था ये गोलू। इसने बुलाया मेरे को फ़ोन करके, और साथ में ये पिंको। ये भी रीज़न है भैया। मतलब क्या तुम्हारा प्लान क्या है, मतलब कहाँ जा रही हो तुम? हमारा प्लान तो यही है, कहीं को भी घूम जाओ, मतलब कहीं को भी घूम जाओ ऐसे ही, मतलब कुछ भी। सही है, बस तुमने बुलाया हमको, तुमने बुलाया, पता नहीं कुछ ये कहते हैं वो कहते हैं, ऐसा खाते हैं ऐसा खाते हैं, ये जो वो जो, पता नहीं क्या क्या बोला तुमने मेरे को, मैंने अच्छे से सुन नहीं पाया, मैं सीधे भागते हुए आया यहाँ पे। मेरे लिए है ना गलत बात, वही तो कह रहा हूं। फिर मेरे लिए कितनी बड़ी गलत बात है वो। तो क्या करें फिर, आप सोच विचार थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ बिंगो क्या करें फिर, आप फिर मैं ये कह रहा हूँ कोई ढोलकी वोलकी ले तो यहाँ पे भजन वगैरह कर ले। हाँ किसको क्या लेना है, ले लिया कहूँगी इसने लेना है, क्या ले लिया भाई तू? हेलो और दादी ठीक छा? बढ़िया एकदम ठीक ठीक। क्या ले दिया भाई तू? बिस्किट ले दिए, इसका बिस्किट दो यार, या नमकीन नमकीन से सब लिया, ले लिया चलते चलो भाई, चलो फिर बैठो बैठो मत यार, माँ को बिस्किट बिना छाया रहा हमने यार करके, सब कुछ है। चलो चलो चले फिर, खिसक थोड़ा आ गया, जा रहे हो देवी दुर्गा जा रहे हो? जय माँ बारा ही यार, चल फिर इसको छोड़ के आ फिर। ओके भाई बाय बाय। तो अभी गैस पिंकी को छोड़ने के लिए गोलू चला गया ऊपर, और मैं यहाँ पे वेट करता हूँ फिर थोड़ी देर। ये अपने नैनीहाल जा रही है ना ऊपर, मम्मी की, अपने मम्मी के नैनीहाल गए, यहाँ पे गाड़ी लगा दी। और जो रीज़न में बताया था घर से ना आने का, क्योंकि गोलू भाई ने मेरे को बोला कि मेरे को पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है करके, इसलिए तेरे को मतलब देख किसका था मेन, तेरे को मन किया ना, मैं फिर आ गया तेरे साथ में, तो कतू जान साथ पाँच जान जो उसकी चल रही हो रुट बुलाया यार भाई जब जो भी है, चल मेरा भी है तेरा भी है। तो गए हम लोग भैया स्कैडे में बैठे हुए हैं, गोलू भाई ने यहाँ पे ऑर्डर किया था पिज्ज़ा, भाई का बहुत मन था इससे, घर से उठा करके मैं सोया हुआ था पता है, वहाँ से तूने मेरे को, तूने मतलब तू लगा दे, मतलब तूने ऐसा करंट दिया मेरे को, ऐसी शॉर्ट सर्किट किया जिससे तार
ये सीधी मतलब रात रोड में आ गया। आ गया बड़ी मुश्किल से। कितना समय लगा होगा? करीब आधा घंटा पूरा। साले लगा दिया गए जी। हमारा पिज्जा आ गया भैया। हेलो गोदू भाई ने तो भाई बहुत ही स्पीड में उठा भी दिया है। आधा खाई नहीं हूँ। वाह है गए। थोड़ा सा लेट हो गया पिज्जा आने में, लेकिन हो काफ़ी मस्त रहा एकदम भैया। टेस्ट अच्छा है पिज्जा, बट मुँह जल रहा है एकदम बहुत तगड़ा। घर ले हैं? आता हूँ अभी खाने दो, खाने के बाद आता हूँ तुम्हारे पास आता हूँ। बोलो सही है टेस्ट बढ़िया एकदम। थोड़ा सा डाल दिया शुमारी गाय। पिज्जा हमारा ख़त्म हो गया और अब जाके हम लोग निकल रहे हैं। थैंक यू। ये पिज्जा हो गया, अभी पेमेंट वेमेंट भी करके चलते हैं। पिज्जा बढ़िया था, बढ़िया था पिज्जा। हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुँह जल गया ज़रा। हाँ ओके ठीक है फिर, बाय बाय। और क्या लेना है अभी और यहाँ से? दही। अरे उसके लिए पिंकी के लिए ठीक है। हेलो गाइस। हाय हाय। हैं ये तो है, ये तो है। हैं तो दोस्तों भैया यहाँ पर से ये गोदू ने दही वगैरह भी लेनी थी। दही भी हमने ले लिया यहाँ पे रॉयल मार्ट से। और अभी किसका फ़ोन किसका था? है चले फिर घर का बनाए। गोलू यहाँ पर से यार वापस फिर से पिंकी को लेने के लिए गया हुआ है। वो गई थी राखी देने के लिए ना। आगे हैं ये लोग, आगे हैं। अब ये खा लिया इठा दी ऐसी किले भाई तू आ जाओ अंशो घर के कि ना राखी हम गए दीदी नहीं वही दिया हम। हेलो 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 ब्रो कहाँ जा रहे हैं? कब तक नाचे कौन कौन? हेलो ब्रो और क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? हेलो ये पवन ना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं बताइए भटेरे से आ रहे हो? कमो घुमा फिर घुमा। सही से लौटे सही से इतनी जने आ रही यार बताइए। हाँ ठीक है जाके आओ फिर यार, हमको बताया नहीं तुमने जा रहे हैं घर के यार। अल्लाह कभी हमको भी बता दिया करो क्या तबे तबे तभी तो फिर यार, नहीं तो जाने का तो बन रहा था यार वो हमारा भी। चलो ठीक है जाके आओ फिर। ओके हाँ हाँ बिल्कुल। कस्यादेज में से मैंने गणेश दा के लिए भैया ड्रेसेस वगैरह ली थी ना, उसने फ़ोन कर दिया था मेरे को गणेश दा ने। फॉग इतना तगड़ा वाला हो गया है ना भाई, बहुत तगड़ा वाला, ठंडा भी होने लग गया। गोलू तो एक साइड में आ रखा है। ओ गोली अभी लग रहा होगा तेरे को ठंडा आप उस वक्त तो साइड में निकल के आ गया भाई। तो मैं तेरे से यहाँ पे आने के बाद एक उम्मीद कर रहा हूँ, क्या बोल? जलेबी खिलाई वो सामने देख वहाँ पे बनी हुई है। काकू क्या कर रहे हो? बढ़िया। हाँ तो यार पिंकू चलेगी भैया जलेबी लाने के लिए। भैया कहाँ जा रहा है तू? यही मंदिर में? मंदिर में भी आता। अच्छा अच्छा ऐसे काम से? हाँ कुछ काम वाम था जल्दी आएगा। ठीक 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 हाँ हाँ ब्लॉगिंग चल रही है यार। और लाइक वाइक भी करता हूँ यार तुम्हारा। थैंक यू सो मच यार, आप तो देखते हो सबसे बढ़िया यही तो है। अपने बाहर के भाई को प्यार सपोर्ट दे रहे हो ना, मतलब यही वो है। अब बाकी तो बड़े बड़े क्रिएटर को हर कोई सपोर्ट कर रहा है भैया। जो पहाड़ी कल्चर है उसको भी थोड़ा तभी तो यहाँ पे। चलो मिलते हैं। हाँ हाँ ओके ठीक है भैया ठीक है। ला गई वाह, चल तो मेरी उम्मीद में खरी उतरी यार, लेके आ गई तू। इसको मत दे देना अभी किले। क्यों लेके लेके आ गई और खाती नहीं बोल रही? आजा मंदिर में क्या छोड़ गुरुजी वाला अरिबल बाबा लोग कोई आ रहा ना मचा हुआ पत्ता नहीं या फिर कोई और आदिशा जाए। पिंकू लेके आ गई है जलेबी, देखिए ने जलेबी खिला दी भैया। और जलेबी कलर भी अच्छा दिखाया है, मीठ होना खा तो सही है, खा के तो देख अच्छी हो रही है थोड़ा सा बस। अरे यार तो मुझे पसंद ना चल रहा। बोलो आ जा
तो गाइस जैसे कि भैया कल है रक्षाबंधन और देवी धुरा में कल मेला लगता है ना, रक्षा लेक में देखिए यहाँ पर से कितने सारे लोग जा रहे हैं भैया माँ बाराही धाम के लिए। पिंकू तू भी जाती है बाराही धाम? अभी तक तो हमने बहुत जाना था। ये वाली गाड़ी भी चली गई है गाइस, ये देखिए जितने लोग भी हैं सारे वहीं जा रहे हैं। मगर के नीचे आया था। हेलो तगड़ा चलन पे मगर लिबेरों पे मैंने लिबेरों है उपखा जाने जाना आप फोन करके पूछ दे फिर भाई जो बना दिखे गो पिंकू बोल लिया गया ये बोल दिया गया फिर भाई जैसी बना दी हूँ बस मैं तू मुझे फ़ोन करके पूछ लेना भाई। अरे तुम कहाँ को जा रही हो करके मैं किस लिए आना है मैंने पर लिबेर आते पे जल्दी से फोन फोन दे घर पे दगड़ा चलो दुखा यार आते पे जल्दी आप। सो गैज भैया हम लोग पहुँच चुके हैं पोखराड़ी यहाँ पे रोड पर, हमने कच्ची वाली रोड पर गैज पक्की तो कभी होगी नहीं है, डामर पड़ेगा नहीं इसमें। गोलू फिर से शिलंग तक का चला गया, वो दरअसल शायद उसके नीमा तेरे नीमा दी के ना बिंगो हाँ। इसके नीमा दी के मतलब वो है ना पतिदेव, उनको लेने के लिए वहाँ से। पिंकू ने तो अपने हाथ में मतलब क्या क्या पैक करके ला गया आज तो, वाह शॉपिंग करके आज तो करते डायरेक्ट रॉयल मार्ट से शॉपिंग करके आई है भैया। सही है भैया, अमीर लोगों की अमीर बातें अमीर लोगों की अमीर बातें भाई। तो रॉयल मार्ट जैसी जगहों पर बता भी है तेरे को कौन शॉपिंग करता है जो अमीर लोग होते हैं। बाकी दोस्तों भैया आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है दोपहर की 1 बजे, तो मैं और मेरे पार के साइड का जो छोटा सा मेरा दोस्त है मित्र है प्रियांशु, तो हम लोग जा रहे हैं भैया वाटरफॉल। दोस्तों काफ़ी समय से नहीं गए हुए थे, बाकी बारिश के बाद से पानी तो बढ़िया होगा, आपने गर्मियों के टाइम में देखा ना उस टाइम में सूख गया था। कहाँ पर भर लो नाची पैन की कर नाची तू, हम पहाड़ में वाटरफॉल नहीं हो तू की कर नाची पहाड़ जीती पे पान भरन जाची। तो आपको ये टूटा हुआ घर काफ़ी पुराना, ये देखिए ये है पुरानी थात भैया लोगों की। 20 दिन पहले जिस एप्पल ऑर्चर्ड पर आया हुआ था अभी भी इसमें एप्पल दिखाई दे रहे हैं, ये चेक कीजिए। तो इस समय में दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भैया यहाँ पे भालूज विलेज कैंप पे अपने AK कम्बुदा लोगों के कैंपिंग के पास में। यहाँ पर से केवल 50 मीटर वाटरफॉल है, चलते हैं। और आज ज़्यादा यहाँ पे गेस्ट टूरिस्ट लोग नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी व्यू तो काफ़ी अल्टीमेट है यहाँ का, हर हमेशा ही रहता है। बारिश के बाद से मैं देख रहा हूँ काफ़ी हरियाली हो रही है, बारिश के बाद से मैं आज ही आ रहा हूँ यहाँ पे, लेके चलेंगे आप सभी को आगे पे। तो यहाँ पे मैं भाई लोगों के कैम कैफ़े के यहाँ पे पास में आया हुआ था, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाहर पे टेबल कुर्सियाँ दिख रही थी तो जिस वजह से मैंने सोचा कोई तो होगा कम्बुदा होंगे, क्योंकि अखिल भाई तो कल मैंने देखा वो तो देवी धुरा गया हुआ है वहाँ पे माँ बाराही धाम में। मैंने सोचा कम्बुदा उसके बड़े भाई यहाँ पे होंगे लेकिन वो भी नहीं है। तो चलते हैं आगे वाटरफॉल की साइड को चलते हैं, अब यहाँ पे कोई है नहीं तो किसके साथ बैठे भैया किसके साथ गप्पे लड़ाएं भाई। एक ही ये यक्कर आ गया क्या, ये दो थे यार पहले तो चार थे, चार में से दो बचे थे, दो में से अब एक ही रह गया, ये अभी एक ही है। वो देखिए तैरते तैरते वहाँ चला गया, क्या है प्यारा लग रहा बहना जाए नीचे को उसको तो आधे जी दे दी वही तो फिर वो देख घूम गया ना अब ऊपर क्यों आएगा वो। आजा 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 भैया। फाइनली पहुंच चुके हम लोग वाटरफॉल पे, और गर्मियों के टाइम आया था पानी बिल्कुल भी नहीं था लेकिन बारिश के बाद आया, और आज देखिए क्या ही अल्टीमेट व्यू दिखाई दे रहा है। और पानी भी काफ़ी तेज मतलब बह रहा है, तो पानी का जो स्तर है ना इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा मतलब जो लोग हैं भैया कम हो चुके हैं मतलब गर्मी के टाइम से, जून जुलाई के मुकाबले थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन देखने लायक जो चीज़ होती है आज कल ही हो रही है भैया। तो देखिए यार भाई पानी तब से कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, देखिए तब तो बहुत ही मतलब इसका
इसका 1% भी मतलब पानी था गर्मियों के टाइम में, लेकिन बारिश के बाद जो पानी बढ़ा ना उससे, और मतलब जो तालाब है वो भी साफ हो चुका है, उस टाइम में तो गंदगी बहुत ज़्यादा थी। बहेगा हाँ मछली की तरह, मछली की तरह बहेगा, मछली की तरह। देखिए गाइस कितने मजे ले रहा है प्रियांशु यहाँ पे पानी में, मजो नहीं। चप्पल ज्यादा चप्पल, पैर से चप्पल निकलेंगे, चप्पल बह जाएंगे। ये तुम वहाँ दौड़ जगह बेटा, बाट बाटे बाट बाटे दौड़ जगह बेटा, चप्पल पहनना जी। ऊपर आ जा, मंदिर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर तामिटी तो ढूंढ रहा नहीं हो रहा यार, तामिटी इन्हें पते चल जाए खोज के। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तभी तो तेरे को बुलाया कि लाया फिर में। तो यार भैया इस नेचर का मजा लेते हो सभी लोग, हम लोग तो ऐसे चल 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 करते हैं, नदी का मजा देखिए आप भाई, पहाड़ी का जो नेचर होता है ना यार, तभी तो भैया मजे आते हैं ऐसे नेचर में। और तभी बोला जाता है कि भैया जंगलों को पेड़ों को बचाओ करके, क्योंकि इस तरीके का आनंद हम लोग पहाड़ में ले सकते हैं। अबे देखिए गाइस भैया जिस तरीके से मंदिर धामों में मतलब बनाया जाता है ना पत्थर के घर जैसा, यहाँ पे भी बना रखा है इस टाइप से। नहाना भी अलाउ नहीं है भैया, तो गवर्नमेंट ने नहाना भी मतलब बंद कर दिया यहाँ पे। गीता हाथ है क्या? ये लोग पता नहीं सोचते थे क्या कर रहे थे, फोटो खींचने में थे शायद ये। चले फिर छोटे, चल फिर चल चल। बारिश भी भैया, बारिश भी आने लग गई ऊपर से यार एकदम, मतलब अभी अगर भीग जाएंगे तेज की बारिश लग जाएगी तो। प्रियांश ने तो फुल मजे लिए पानी में जाकर के, है मजे, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, बिल्कुल कूद रहा है बंदर की तरह वहाँ बिल्कुल है। क्यों तैरने का मन था पर अरे तैर तो मछली के किते की तरह बह जाता वहाँ पे, पानी का फ्लो देख रहा है तेरे सामने तो तगड़ा ही है भाई पानी का फ्लो तो बहुत है। फिर गए भैया मतलब बारिश की बात कर रहे थे ना, बारिश की बात कर रहे थे यार भीग ही गए यार, जो में भीज जाएगी मुझ ले जाएगी यार कितने मुझे यार ऐसा। ये बारिश देखिए गए जा कितनी बिगड़ जाएगी, ऊपर से बांस का पेड़ हो और यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग यार। ऐसे में भी कितना अटकेंगे भाई यहाँ पे हम, कम लग रहा है वाटर फॉल आजाबाद में, कब बन हो कब बन हो में आजाबाद वाटर फॉल भैया, खराब देखना चाहिए जो उनके दिखा रहे हैं जो बिल्कुल भाई झूठ हो गई हूँ जितनी उन्होंने सिलपड़ी सिलपड़ी लक्की लोग वहाँ पे आने तक का भैया भीज करके एकदम तर बर्रान हो गया गाइस, मगर आना रुकना के फाचा भीजना भीजी गई मैं कौशी की हो। तो यही बरसात का महीना भैया, भीग करके यही हाल हो जाएगा कहीं तो, हम बिना छाते के अगर जाएंगे तो। पहाड़ा ठंडो पानी सुने कहते मीठी बानी, पहाड़ा लागनी बरसाती ने छाता जो कल भी जाएगी वाटर फॉल नहीं भी नहीं जाऊंगा यार, तभी जाएंगे है बाप हो। प्रियांशु तो गया आते आते मेरे को बोलने लग गया है, मेरे घर में फोन कर देना यार, बता देना वहाँ बारिश लगी थी तब भी के, मेरे को नहीं तो ऐसा बोलेंगे कि तू नहा के ही आए है और यहाँ बारिश ही नहीं चली है कैसे विश्वास करेंगे हम में। चल इसको मेरे को दे दे फिर भाई साहब, तो फोन कर देना है कर दूंगा कर दूंगा, बोल दूंगा हमें बारिश लगी थी उसमें बारिश में भीग गए थे हम बस, हालत खराब वही तो गपे। देखो जी आज जसला हाल से इसी के देखा भैया बाव चिंगान लग रहा भेज भी देते तर की लगी, और भाई साहब ऑन होने तू झूठ गिने तर बता, ठीक है सर ठीक है फोन कर देना तुम पक्का। हाँ हाँ कर देना, अब यार तभी चलेंगे भाई जब धूप आएगी वरना नहीं जाएंगे।